26 सितंबर 1950 फिलिपीडिया रात के 10 बजे हैं। दो पुलिस वाले जॉन कॉलिंस और जोसेफ कीनन सड़क पर पेट्रोलिंग कर रहे थे। एक अंधेरी गली से गुजरते हुए उन्हें आकाश में एक अजीब सी चीज गिरती हुई नजर आई। ये कुछ पैराशूट जैसी चीज थी और उन्हें लगा ये नजदीक के मैदान में जाकर गिरेगी। जब वो थोड़ा पास गए तो समझ में आया कि ये पैराशूट नहीं है। अगर ये बाहरी दुनिया से नहीं आई वो भी ये कुछ अलग ही चीज है। ये कोई 6 फीट चौड़ी पर्पल रंग की चीज थी। ये कोई चमकीली चीज थी। रोशनी अंदर से आ रही थी और अंधेरे में ये जगमगा रही थी। और तब मानो उसने पुलिस वालों को देख लिया हो, वो अजीब सी चीज दूर जाने लगी। पुलिस वालों के मुताबिक सबसे अजीब ये था कि वो एक लैंप पोस्ट पर चढ़ी और फिर हवा में खुल गई। पुलिस ऑफिसर्स ने इस बारे में सबको बताया और ये न्यूज सुर्खियां बन गई। और इसी घटना से प्रेरित होकर बनी फिल्म द ब्लॉब, जो अब तक की सबसे मशहूर एलियन हॉरर फिल्मों में से एक है। इस क्लासिक फिल्म द ब्लॉब में जेलेटिन जैसा एक ढेर आसमान से गिरता है और जो भी उसे छूता है वो उसे निगल जाता है। असली घटनाओं को भुला दिया गया और फिल्म को एक आम फिक्शनल स्टोरी मान लिया गया। लेकिन 30 साल बाद ब्लॉब वापस लौट आया। 10 अगस्त 1979, फ्रिस्को, टेक्सास। स्थानीय लोग परसीड मीटियर शावर का मजा ले रहे थे। इसका ये नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये उल्काएं परसीड तारामंडल की दिशा से आती हैं। अगली सुबह सिबिल क्रिश्चियन अपने फ्रंट यार्ड में बिन बुलाए मेहमानों को देखकर चौंक गए और वो वहां पर 3 पर्पल कलर के ब्लॉब्स देखकर हैरान हो जाती है। उनका साइज डेस्क टेलीफोन जितना था और उनका टेक्सचर झाग वाली क्रीम जैसा था। ठीक वैसा ही जैसा 30 साल पहले फिलाडेल्फिया के पुलिस वालों को दिखा था। इससे पहले कि सिबिल कुछ समझ पाती, इनमें से एक गायब हो गया। क्योंकि एक रात पहले वहाँ पर मीटियोर शावर हुआ था तो ये हमारे लिए विश्वास करना मुश्किल नहीं है कि अर्थ पर ये ब्लॉब स्पेस से आए होंगे। स्थानीय प्रशासन ने नासा को बताया। नासा के वैज्ञानिक एक ब्लॉब को टेस्ट के लिए ले गए और उसके बाद एक अविश्वसनीय घोषणा की। शुरू में हर कोई चौंक जाता है क्योंकि नासा ये कह देती है कि ये किसी बाहरी दुनिया से हो सकते हैं। लेकिन जब खबर फैली तो सरकार लोगों के डर को कम करने में जुट गई और नासा ने एक और घोषणा कर दी। अगले ही दिन उनका मन बदल जाता है और वो कहते हैं कि ये किसी बैटरी की फैक्ट्री से निकला कॉस्टिक सोडा हो सकता है। थ्योरी ये है कि फैक्ट्री से एक ट्रक कॉस्टिक ब्लॉब लेकर निकला और रास्ते में ये ब्लॉब्स ट्रक से निकलकर सेबल के आंगन में पहुंच गई। तो नासा के 2 बयानों में से कौन सा सही था? यह हमेशा से एक शक पैदा करता है और अगर उन्हें पक्का यकीन नहीं था तो वो ऐसा क्यों कहते हैं कि ये कुछ बाहरी दुनिया से आया हो सकता है? क्या वो कुछ छुपाने की कोशिश में है या वो बिल्कुल गलत समझ बैठे थे? सिबिल क्रिश्चियन, जिसने उन ब्लॉब्स को पास से देखा था, वो खुद उन कॉस्टिक ब्लॉब्स को देखने निकल पड़े। नासा की थ्योरी का दम तब निकल जाता है जब वो फैक्ट्री का वेस देखने गई। सिबिल ये कहती है कि जो मेरे आंगन में गिरा था उस जैसा तो ये दूर दूर तक नहीं है। जो ब्लॉब्स थे वो बाहर से फेटी हुई क्रीम जैसे थे, मगर बैटरी की फैक्ट्री से निकला कॉस्टिक सोडा तो बहुत ही ज्यादा सॉलिड और भारी था। अब आप ही बताएं, अगर ये ब्लॉब्स हमारी धरती के नहीं है तो फिर स्पेस में ऐसा क्या चल रहा है जिससे ये ब्लॉब्स बन रहे हैं? कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि धरती पर मौजूद कुछ जीव इसका सुराग दे सकते हैं। इन्हें स्लाइम मोल्ड कहा जाता है। एक सिंगल सेल वाले ये जीव अरबों साल से धरती पर हैं। जेलेटिन जैसे ये चिकने जीव दुनिया के हर वातावरण में मौजूद हैं। स्लाइम मोल्ड एक साथ मिलकर काम करते हैं। ये एक रिदम में चलते हैं। इनकी बाहरी परत लचीली होती है
जो बहुत ही अलग दिखती है और छूने पर चिकनी महसूस होती है। स्लाइम्स असल में इंडिविजुअल माइक्रोब्स हैं जो किसी पर भी निर्भर नहीं करते हैं, पर कुछ खास हालात में ये साथ मिलकर सुपर ऑर्गेनिज्म्स बन जाते हैं जो एक बेहद चिकने गोले जैसे दिखते हैं। स्लाइम मोल्ड की खासियत ये है कि ये इंटेलिजेंट होते हैं। बहुत सी सेल एक साथ मिलकर काम करती हैं, तो धरती पर जीवन के विकास में ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनने की शुरुआत देखने जैसी है। ये एक गोले में लाखों दिमाग एक साथ आने जैसा है और इस कलेक्टिव ब्रेन में खाने की चीजों की तरफ बढ़ने और पूरी कम्युनिटी के लिए फैसला लेने तक की क्षमता होती है। माना जाता है कि धरती पर मौजूद स्लाइम मोल्ड और फिलाडेल्फिया और टेक्सास में मिले ब्लॉब में समानताएं हैं जो बाहरी दुनिया में जीवन का सबूत हो सकती है। जून 2018, टेक्सास के एक कस्बे में जामुनी ब्लॉब गिरने की पहेली के 40 साल बाद अंतरिक्ष में जीवन की खोज कर रहे साइंटिस्ट्स के सामने एक चौंका देने वाली बात आई। तारों के बीच की जगह ब्लॉब्स जैसी चिकनाई से भरी पड़ी है। हम यही सोचते हैं कि स्पेस एक खाली जगह है, लेकिन हमें अब ये पता चला है कि ये तो चिकने पदार्थ से भरी हुई है। ये सोचकर अजीब लगता है कि स्पेस में ऐसे कुछ हिस्से चिकने हैं, लेकिन अगर पानी से ढके कण एक साथ मिल जाएं, तो हमें क्या नजर आएगा? लुढ़कता हुआ चिकना गोला? पर बात इतनी सी ही नहीं है। अंतरिक्ष के इस गोले जैसे मेटल में अगर जीवन के संकेत भी हुए तो एक लिविंग प्रोसेस इस मटेरियल को बनाती है, लगातार बनाती है और फिर तारों के बीच खाली जगह में फेंक देती है। तो हम जो इतनी बड़ी मात्रा में ये चिकना मटेरियल देख रहे हैं, ये ऑर्गेनिक है और स्पेस में बहुत ही बड़े पैमाने पर चल रही माइक्रोबायोलॉजी का नतीजा है। इस मटेरियल का कुल भार बहुत ज्यादा है और हमारी गैलेक्सी के कुल भार का 100वां हिस्सा है। स्पेस में शायद भरपूर जीवन है और ये तारों के बीच मौजूद खाली जगह को भर रहा है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि स्पेस में तैर रहे ये लाइफ फॉर्म्स तारों से एनर्जी कैप्चर करने के लिए रेटिनल पिगमेंट का इस्तेमाल करते होंगे। ऐसा करने वाले जीवों का एक अलग रंग होता है, जामुनी। क्या यही ऑर्गेनिक स्पेस मटेरियल धरती पर हुई घटनाओं की वजह है? आपको नहीं पता ये कैसी बीमारियां ला सकते हैं, कितने हानिकारक हैं। एक पुरानी साइंस फिक्शन फिल्म हल्का फुल्का मनोरंजन हो सकती है, मगर जिन घटनाओं से ये प्रेरित हैं, वो शायद सच हैं। लगता यही है कि आउटर स्पेस में ब्लॉब्स तैर रहे हैं जो जामुनी रंग के हैं और वो जानते हैं कि हम कहाँ रहते हैं। ये सोच कर ही डर लगता है कि कुछ एलियन लाइफ फॉर्म्स आसमान से हमारे ऊपर टपक रहे हैं। अब हमें इसके तह तक जाना ही होगा। जनवरी 2017, CIA हेडक्वार्टर्स, लैंगली वर्जीनिया। अमेरिकन इंटेलिजेंस के हाथ लगी KGB की 250 पेज की एक कॉन्फिडेंशियल फाइल सबके सामने लाई गई। फाइल्स में साइबेरिया के खाली मैदान में एक जंग का जिक्र है, लेकिन अगर रशिया की बात पर यकीन करें तो ये कोई आम जंग नहीं थी। इसके मुताबिक सैनिक साइबेरिया से गुजर रहे थे और तभी उनका सामना एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी UFO से हुआ। ऐसा बताया गया है कि सैनिकों ने आकाश में मिसाइल दागकर इसे जमीन पर गिरा दिया और फिर UFO के मलबे से बाहर आए कुछ एलियंस। वो आपस में जुड़ गए और एक चमकदार गोला बन गया। गोला बड़ा होता चला गया और तेज रोशनी के साथ वो फट गया और उस धमाके से एक ही पल में 23 सैनिक पत्थर बन गए। एलियंस ने उन्हें पत्थर में बदल दिया। ये सब उन सैनिकों ने देखा जो पेड़ों के पीछे छुप गए थे, इसलिए उन पर उस मौत की रोशनी का असर नहीं हुआ।
कोई ऐसी चीज जो जिंदा शरीर को पत्थर में बदल दे, ऐसी चीज हमने आज तक ना कभी देखी है, ना ही इसके बारे में हमने सुना है। एक बेहद सीक्रेट रिपोर्ट के मुताबिक पत्थर बने सैनिकों और यूएफओ के मलबे को मॉस्को के बाहर बनी एक सीक्रेट लैब में लाया गया। रशियन साइंटिस्ट ने बताया कि सैनिक लाइमस्टोन जैसी किसी चीज में बदल गए थे। अगर ये सच है तो क्या रशिया के पास दूसरी दुनिया के हथियारों की टेक्नोलॉजी है? एक बार वो मलबा हाथ लगने के बाद रूस ने उन हथियारों की तकनीक समझ ली होगी। पर कुछ एनालिस्ट इस बात को अलग नजरिए से देखते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि रूसियों को किसी एलियन तकनीक या मटेरियल का पता चल गया हो। क्या पता केजीबी अपने ही सैनिकों पर किसी नई तरह के हथियार की टेस्टिंग कर रहा हो और उसे छुपाने के लिए ये कहानी बना ली हो। केजीबी की ये आदत है, वो चीजें छुपाते हैं या आधी बात ही बताते हैं या फिर कहानी को बढ़ा चढ़ा कर बदल कर सुना देते हैं ताकि बाकी की दुनिया को हमेशा के लिए अंधेरे में रखा जाए। केजीबी चाहे कुछ भी कहे, लेकिन CIA ऐसे अनोखे और डरावने हथियार की रिपोर्ट को अनदेखा नहीं कर सकता। वो किस तरह के हथियार तैयार कर रहे हैं और असल में वो चाहते क्या हैं? पत्थर बना देने वाले हथियार की सबसे डरावनी बात ये है कि हम नहीं जानते ये कैसे होता है। अगर हम खुद से ये सवाल पूछें कि कैसे हम एक इंसान को पत्थर में बदल सकते हैं, इसके लिए हमें पीछे देखना होगा कि आखिर पत्थर बनाने की नेचुरल प्रोसेस क्या है। फॉसिलाइजेशन की प्रोसेस के बारे में सब जानते हैं। इसमें ऑर्गेनिक मैटर पत्थर में बदलता है, लेकिन इसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना मुश्किल है क्योंकि ये हद से ज्यादा धीमी प्रक्रिया है। हमने देखा कि ये नेचुरल प्रोसेस करोड़ों साल का वक्त लेता है, ये कोई तेज प्रोसेस नहीं है। पर रूसी रिपोर्ट में ऐसा लिखा है कि वो सैनिक तुरंत पत्थर बन गए। क्या कोई ऐसी चीज हो सकती है जो पत्थर बनने की प्रोसेस को तेज कर सके, जिससे पत्थर बनने में करोड़ों साल की जगह बस कुछ महीने या एक साल ही लगे? इसका सुराग इंग्लैंड के रोलिंग हिल्स की एक रहस्यमय जगह पर हो सकता है, जिस पर कहा जाता है शैतान का श्राप है। अगर आपको कोई चीज अपनी आंखों के सामने पत्थर बनते देखनी है तो इस जगह पर हो आइए, नॉर्दर्न इंग्लैंड की पेट्रीफाइंग वेल। सैकड़ों सालों से यहाँ के लोग इस डर में जी रहे हैं कि कुएं के पानी को छुआ तो वो पत्थर बन जाएंगे। अगर हम बहते पानी में कुछ डालें तो उस पर एक या दो महीने के अंदर ही पत्थर के कण जमा हो जाते हैं, वैसे ही जैसे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में हुआ था। पत्थर जमा होने की ये मैजिकल प्रक्रिया सभी चीजों के लिए बराबर है, चाहे वो मरा हुआ जानवर हो, बाइसिकल हो या जॉन वेन का हैट। तो इसका मतलब यदि हमें पत्थर बनना है तो हमें झरने के नीचे काफी देर तक बस खड़ा होना होगा। हालांकि ये प्रक्रिया फॉसिलाइजेशन के मुकाबले तेज है, लेकिन साइबेरिया में सैनिकों के पत्थर बनने जितनी तेज नहीं है। इन चीजों पर पत्थर की परत जमती है, अंदर से ये पहले जैसी रहती हैं, तो ये केवल इनक्रस्टेशन है। वो सैनिक तो अंदर बाहर पूरी तरह से पत्थर बन गए थे। वॉशिंगटन के साइंटिस्ट्स पत्थर बनने की अनोखी प्रक्रिया में कुछ ऐसा नया कर पाए हैं कि हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। साइंटिस्ट ने लकड़ी के एक टुकड़े को 2 दिन तक एसिड में डुबोए रखा, फिर अगले 2 दिन उसे सिलिका सॉल्यूशन में डुबोकर रखा, फिर उसे 1400 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया और कमाल हो गया। लकड़ी जलती नहीं है बल्कि एसिड और सिलिकॉन से रिएक्ट करके बेहद सख्त सिरेमिक सिलिकॉन कार्बाइड में बदल जाती है। पूरी प्रक्रिया को 5 दिन लगते हैं, फॉसिलाइजेशन प्रोसेस के मुकाबले कई लाख गुना तेजी से। ये फिर भी उतनी तेज नहीं है जिससे सैनिकों के पत्थर बनने की घटना को पूरी तरह से समझा पाए। क्या ये प्रोसेस और तेज की जा सकती है ताकि सब कुछ सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में हो जाए? लेकिन सिरामिक सिलिकॉन कार्बाइड रिपोर्ट में बताए गए लाइमस्टोन जैसा बिल्कुल नहीं है। जापान में 2019 में हुई एक खोज बताती है कि ये कोई खास बायोलॉजिकल वेपन हो सकता है।
एक गर्म पानी के कुंड में एक नया वायरस मिला है, एकंथमीबा कैसलानी। इसका निक नेम है मेडूसा वायरस, क्योंकि ये ग्रीक मैथोलॉजी के उस शैतान जैसा है जिसके बाल सांपों से बने हैं और जिसकी नजर जानलेवा है। जिसने भी उस शैतान के चेहरे और सांपों को देखा वो खुद पत्थर बन गया। उस शैतान की ही तरह जब मेडूसा वायरस अपने शिकार के कांटेक्ट में आता है तो उसे पत्थर जैसे खोल में बंद कर देता है और हमें वहाँ उस जिंदा क्रिएचर का एक स्टोन इमेज नजर आता है। जापान में मिला मेडूसा वायरस सिर्फ अमीबा पर ही असर डालता है, पर हो सकता है कि कोई एडवांस टेक्निक ऐसे किसी वायरस से हथियार बना ले और इसे एम्पलीफाई करके इंसानों को पत्थर बना सके, जैसा उस रिपोर्ट में लिखा है। जो हमने मिथकों और कथाओं में सुना है ये उसकी याद दिलाता है, हमारी टेक्निक के हिसाब से इंसान को तुरंत पत्थर बना सके ऐसी कोई भी चीज मौजूद नहीं है। लेकिन सोचिए, अगर ऐसा किया जा सकता है तो ये जरूर कोई ऐसा प्रोसेस है जिसके बारे में हम नहीं जानते। एनालिस्ट्स केजीबी की अब सामने आ चुकी उस रिपोर्ट का सच जानने की कोशिश में है, जिसमें एलियंस एक रहस्यमय हथियार से रशियन सैनिकों को पत्थर बना देते हैं। क्या असल बात यह है कि रूसी इंटेलिजेंस सर्विस केजीबी, जिसे आप एफएसबी कहते हैं, गलत इंफॉर्मेशन फैलाने में लगी है? बिल्कुल सही है, और ये ऐसा ही है। हो सकता है कि वो कुछ नई और अलग तरह की टेक्नोलॉजी पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हों और उसे हथियार बनाने की फिराक में हो। रिपोर्ट में जिस तेज चमक का जिक्र है वो दुनिया के सबसे जानलेवा हथियारों से हुई धमाके की तरफ इशारा करती है। ऐसे हथियार जिसे रशिया साइबेरिया जैसी रिमोट जगहों पर टेस्ट करता है। हो सकता है कुछ ऐसा था जो कंट्रोल से बाहर हो गया। इससे निकली तेज गर्मी ने सैनिकों के शरीर के पानी को सुखा दिया और वो पत्थर बन गए। कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन अगर आप उसके करीब हैं तो आपको एक पल में राख कर देगा। कुछ लोग मानते हैं कि साइबेरिया में जो भी हुआ वो न्यूक्लियर एक्सीडेंट था। इतिहास बताता है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि रिमोट इलाकों में न्यूक्लियर टेस्ट के दौरान सैनिकों की मौत हो गई थी, जहां ये सब देखने वाला कोई नहीं था। न्यूक्लियर टेस्ट के दौरान हजारों सैनिक रेडिएशन के हद में आ जाते हैं। 20 साल तक जेम्स ओबर्ग ने रशियन मिलिट्री टेक्नोलॉजी की बहानेबाजी को कवर किया है। उनके मुताबिक क्रेमलिन अक्सर एलियंस की कहानी बना देता है। मेरी स्टडीज बताती हैं कि 60 के दशक में रूस में यूएफओ दिखने की कहानियां सीधे सीधे रूसी हथियारों की टेस्टिंग का नतीजा थी। मार्च 1967, यूक्रेन से लेकर कॉकेसस तक हजारों सोवियत नागरिकों ने आकाश में आधे चांद के आकार की अजीबोगरीब रोशनियां देखी। ऐसी घटनाएं 1968 के बसंत तक चलती रही और सोवियत संघ के अखबारों में और टेलीविजन पर रिपोर्ट हुई, पर असलियत में सोवियत संघ आकाश से जमीन पर मार करने वाला एक इल्लीगल न्यूक्लियर सिस्टम टेस्ट कर रहा था। ये हथियार अमेरिका पर अचानक हमले के लिए टेस्ट किए जा रहे थे। कुछ टेस्ट देर शाम को किए गए जब आकाश में अंधेरा था। रॉकेट के पंख आग से चमक रहे थे। लोगों ने जब आकाश में चमकते हुए घेरे देखे तो उन्हें लगा कि वो फ्लाइंग सॉसेस थीं। इनमें से कुछ को तो हम आज भी इंटरनेट पर देख सकते हैं, जिन्हें रशियन साइंस ऑफ एकेडमी असली बताती हैं। पर कुछ ऐसा है जो हजम नहीं होता। अगर दूसरी दुनिया के विमान में एलियंस होने की केजीबी की रिपोर्ट लोगों को अंधेरे में रखने के लिए थी तो इसे छुपा कर क्यों रखा गया? इन एलियंस और रूसी सैनिकों के पत्थर बनने की बातें एक टॉप सीक्रेट रिपोर्ट में थी। इसे सिर्फ कवर अप कहकर डिसमिस नहीं किया जा सकता। रशियन मीडिया ने कभी कुछ नहीं बताया। ऐसी रिपोर्ट को सरकारी लेवल पर दबा कर रखा गया। रशिया आज भी बातें छुपाता है। साइबेरिया के बर्फीले मैदानों में जो हुआ वो सच शायद कभी बाहर ना पाए। हो सकता है कि रशिया, जो आज भी एक सुपर पावर है,
उसके पास इंसानों को पत्थर बनाने वाले हथियार हो, जिन्हें या तो उसके साइंटिस्ट ने बनाया हो या जो किसी तरह उसके हाथ लग गए हो। कुछ अलग ही तरह के युद्ध देखने को मिल सकते हैं। जून 2018 प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक हैरत अंगेज बयान से दुनिया को चौंका दिया। मैं आज यहां डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और पेंटागन को तुरंत जरूरी प्रक्रिया शुरू करने का आदेश देता हूं, ताकि स्पेस फोर्स को तैयार किया जा सके जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस का सिक्स्थ ब्रांच बनेगी। ये मिलिट्री की ही एक नई ब्रांच थी जो बाहरी खतरे पर फोकस करने वाली थी, मगर सवाल ये था कि वो किसे अपना दुश्मन समझ रहे हैं, हम किस तरह से युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने उन दुश्मनों का नाम भी लिया जिनके खिलाफ वो इस फोर्स को खड़ा करना चाहते थे। जाहिर है भविष्य में धरती पर होने वाले हमलों के लिए तैयार रहना जरूरी है। ट में चाइना ने एक मिसाइल लॉन्च किया, धरती से करीब 800 किलोमीटर दूर स्पेस में अपना ही एक सैटेलाइट तबाह कर दिया और जिससे जबरदस्त ताकत का प्रदर्शन किया। ये मिसाइल लॉन्च भविष्य की तैयारी थी, वो दिखाना चाहते थे कि अगर हम अपना सैटेलाइट आसमान में तबाह कर सकते हैं तो हम ऐसा किसी अमेरिकन सैटेलाइट के साथ भी कर सकते हैं। नई यूएस स्पेस फोर्स अमेरिका की हाल की स्पेस वॉर की क्षमता को काफी बढ़ाती है। ऐसी एंटिटी पहले भी काफी समय से थी जो नासा की एक्टिविटी के अलावा भी स्पेस में मौजूद थी, जो था एयरफोर्स स्पेस कमांड। एयरफोर्स स्पेस कमांड्स में दुनिया भर में 30,000 लोग काम करते हैं जो सैटेलाइट्स, एयरक्राफ्ट, रेडार, एंटी मिसाइल सिस्टम्स और ऑर्बिटल लॉन्चेस को कंट्रोल करते हैं। मगर ये नई स्पेस फोर्स इससे बढ़कर होगी। इसमें नए व्हीकल्स होंगे, नई तरह के हथियारों के साथ एक नई तरह की जंग के लिए, जो शायद एक नई तरह के दुश्मन के साथ होगी। स्पेस फोर्स तैयार हो रही है, लेकिन उसका मकसद है धरती पर दूसरे देशों से स्पेस के जरिए होने वाले हमलों से हमें बचाना। पर क्या ये पॉसिबल है कि इसका मकसद बाहरी दुनिया के हमलों के लिए भी हो? क्या प्रेसिडेंट के पास कोई ऐसी जानकारी थी जिसकी वजह से वो इस तरह से डिफेंस की तैयारी में जुट गए ताकि देर ना हो जाए? स्पेस फोर्स विश्लेषक जानना चाहते हैं कि क्यों यूएस प्रेसिडेंट ने मिलिट्री का एक नया स्पेस ब्रांच शुरू किया। कुछ विश्लेषक के मुताबिक ये फोर्स इसलिए तैयार हुई क्योंकि फोर्स के अनाउंसमेंट के 2 साल पहले ही महान एस्ट्रोफिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने दुनिया भर की सरकारों को एक चेतावनी दी थी। उन्होंने ये चिंता जताई कि स्पेस में घूमते एलियंस शिकारी किस्म के हो सकते हैं या फिर दुनिया के रिसोर्सेज के लुटेरे हो सकते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि एलियन लाइफ की तलाश में जो मैसेज और सिग्नल्स हम पिछले 50 साल से कॉस्मोस यानी ब्रह्मांड में भेज रहे हैं, उनका हम पर पलटवार हो सकता है। स्टीफन हॉकिंग इस बात को लेकर बेहद चिंतित थे। उनके मुताबिक हमें अंधकार में कोई सिग्नल्स नहीं भेजने चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ब्रह्मांड में कोई और स्पीशीज हो जो हमें प्रकाश की तरह देखे और पलक झपकते ही हमारा सफाया कर दे। अगर प्रेसिडेंट ट्रंप को हमारी धरती के बाहर से आने वाले खतरे का डर है, तो वो इस डर को साझा करने वाले पहले प्रेसिडेंट नहीं है। एक बार रोनल्ड रेगन जब प्लेन पर थे, उन्हें लगा जैसे उन्होंने किसी तरह का कोई स्पेसक्राफ्ट देखा हो। जिमी कार्टर इस विषय पर सबसे ज्यादा खुलकर बोलते थे। वो एरिया 51 में जाकर वहाँ क्या है ये देखना चाहते थे और उन्हें भी ये लगा कि उन्होंने एक यूएफओ को देखा था। कहते हैं 1974 में CIA के हेड जॉर्ज H.W. बुश ने प्रेसिडेंट जेरी फोर्ड से ये कहा कि एलियन से जुड़ी जानकारी सिर्फ उन लोगों को दी जा सकती है जिन्हें जानने की जरूरत है। और यही सबसे डरावनी बात है, जॉर्ज बुश ने यूएफओ से जुड़े सवालों को नकारा नहीं, बल्कि उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि आपको जानने की जरूरत नहीं है, मैं बताऊंगा नहीं, ये आपके टॉप सीक्रेट क्लियरेंस से बाहर की बात है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप का क्या? 20 जुलाई 1952 को एयरफोर्स के रेडार ने आसमान में कुछ अजीब रोशनियों को पिकअप किया।
इसे देखने वाले डर गए। उनके बयान के मुताबिक एक अजीब उड़ता हुआ एयरक्राफ्ट राजधानी के ऊपर उड़ रहा था। एक हिस्सा आगे चलकर वॉशिंगटन पर घुसपैठ कहलाया। इस स्पेसक्राफ्ट को इंटरसेप्ट करने के लिए तुरंत जेट रवाना हुए, मगर जेट आसानी से पीछे छूट गए। उसी दौरान न्यूयॉर्क शहर में ट्रंप के घर से 1.5 किलोमीटर दूर एक तेज गोल रोशनी सड़क के ऊपर उड़ रही थी। यूएफओज डोनाल्ड ट्रंप के आसपास में थे। क्या ये वजह हो सकती है जिसके चलते प्रेसिडेंट ने स्पेस फोर्स का निर्माण किया? अंतरिक्ष से होने वाले हमले के खिलाफ स्पेस फोर्स हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होगी। लेकिन अगर हम पर किसी दूसरे स्टार सिस्टम से हमला होता है तो हमारे पास स्पेस में ऐसा कुछ तो होगा जिसकी बदौलत हम वो लड़ाई स्पेस में ही लड़ें, न कि धरती पर। अमेरिका एक स्पेस फोर्स को तैयार करने में बहुत ही सक्षम है। लेजर हथियार वाले सैटेलाइट्स डिफेंस में मदद कर सकते हैं। वहीं ऑर्बिट पर जाने की क्षमता रखने वाला X-37B एयरक्राफ्ट स्पेस में भी लड़ने के लिए तैयार हो सकता है, मगर कोई गारंटी नहीं है कि बाहर से हमला करने वाले एलियन जंग के नियमों का पालन करेंगे। किसी प्लैनेट पर कब्जा करने के कई तरीके हो सकते हैं। आप उसके एटमॉस्फेयर में छोटी छोटी मीटेराइट्स के जरिए महामारी फैलाने वाले कीटाणु भेज सकते हैं। आप उस प्लैनेट की तरफ एक विशाल एस्ट्रॉइड भेज सकते हैं। लेकिन अगर आप उस प्लैनेट का इस्तेमाल करना चाहते हैं जिसके लिए आपको सिर्फ वहां के लोगों को खत्म करना है, तब आपको जमीन पर अपनी फोर्स, अपने सैनिक भेजने होंगे। अगर ट्रंप की स्पेस फोर्स धरती को एलियन से बचाने में असफल हुई तो क्या हमारे पास कोई बैकअप प्लान है जिससे हम अपनी धरती पर उनसे मुकाबला कर सकें? अगर पेंटागन ने इसकी प्लानिंग की है तो वो जानकारी भी खुफिया है। चलिए मान लेते हैं कोई बड़ा जहाज हमारी धरती पर आता है और एलियंस हमारी धरती पर हमला बोल देते। जो भी एलियंस हमारी धरती पर आएंगे वो जाहिर है स्पेस की लाइट ईयर्स की दूरी तय कर आएंगे, तो टेक्नोलॉजी के मामले में वो हमसे बहुत आगे होंगे। ऐसी टेक्नोलॉजी से हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ये मुकाबला स्टोन एज और F-35 के बीच होने वाली जंग की तरह होगा। अगर हमारे जहाज एलियंस को रोक नहीं पाते हैं और वो धरती पर आ जाते हैं तो विशेषज्ञों का मानना है कि इंसानों के पास दूसरी दुनिया से आए इतने ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस हमलावरों से बचने की संभावना बहुत कम होगी। अगर कोई एलियन हम पर हमला करे जो इतना टेक्नोलॉजिकली आगे हो कि अपने फोर्सेस के साथ गैलेक्सीज को पार कर सके, उनके लिए हमारे स्पेस फोर्स को मिटाना मिनटों का काम होगा। वो हमारी धरती के सारे इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्सेस को आसानी से उड़ा सकते हैं। मगर वो हमें इतनी आसानी से हरा नहीं पाएंगे। टेक्नोलॉजिकली एडवांस होने से जीत कंफर्म नहीं हो जाती, जैसे कि यूएस फोर्स ने वियतनाम में और सोवियत फोर्स ने अफगानिस्तान में जाना। ऐसे हाईटेक दुश्मन से लड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है लो टेक। हो सकता है कि हम छोटे पॉकेट्स में बंटकर गोरिल्ला वॉर लड़ पाए। छोटे छोटे गुट में बंटकर लड़ पाने की इंसानी क्षमता हमारी धरती पर कब्जे का आखिरी लाइन ऑफ डिफेंस बनेगी। अगर ऐसा कोई हमला होता है तो उम्मीद है कि हम में से कुछ लोग जमीन के नीचे बंकर्स में जाकर बच जाएंगे और उसके बाद हमें छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर उसी तरह लड़ना होगा जैसे आतंकवादी लड़ते हैं। अमेरिका ने अपने डिफेंस प्लान को गोपनीय रखा है, मगर एक चीज जो सीक्रेट नहीं है वो ये कि अगर कोई प्रलयकारी हमला होता है तो जो भी सरकार में बचे होंगे उन्हें रेवन रॉक माउंटेन कॉम्प्लेक्स में ले जाया जाएगा। इस पहाड़ी बेस में कमांडर्स बची खुची मिलिट्री सेना और आम जनता से संपर्क करेंगे और यहीं से पलटवार के लिए गोरिल्ला अटैक की नींव रखेंगे। किसी एडवांस एलियन रेस का पूरी मानव जाति पर हमला करने का ख्याल काफी डरावना है, लेकिन यह भी मुमकिन है कि हम बच जाएं। जितना ज्यादा हम स्पेस में जाते रहेंगे उतना ज्यादा हम दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगे, मगर कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि हमें अपना यह सफर जारी रखना ही पड़ेगा। हमें बाहर जाकर देखना है कि बाहर क्या है इससे पहले कि कोई हमें ढूंढ ले। छह सितंबर 2018
हथियार बंद FBI एजेंट से भरे हुए ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स न्यू मेक्सिको के लिंकन फॉरेस्ट माउंटेन्स में उतरे। उनका निशाना कोई टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप या कोई ड्रग कार्टल नहीं था। यह स्पेशल स्वॉट टीम एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी पर छापा मारने वाली थी। सनस्पॉट सोलर ऑब्जर्वेटरी का इस्तेमाल नासा सूरज को समझने और उस पर नजर रखने के लिए करता है। वहां हर जगह ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स और FBI एजेंट्स मंडरा रहे थे। गवर्नमेंट एजेंट्स ने ऑब्जर्वेटरी को बंद कर दिया और 250 एकड़ की जगह खाली कर दी गई। वहां की पुलिस को कुछ नहीं पता था और वहां काम करने वालों को खामोश कर दिया गया। देखा जाए तो हर किसी को एक तरह का सीक्रेसी एग्रीमेंट साइन करना पड़ा था जिसका खुलासा नहीं किया जा सकता था। वो इसे ऐसे मानते थे जैसे किसी नेशनल सिक्योरिटी को तोड़ा गया। क्या इसमें ऐसा कुछ था जो हमें जानना चाहिए? FBI का कहना था कि उनका छापा और 11 दिन का लॉकडाउन ऑब्जर्वेटरी में काम करने वाले उस आदमी की वजह से हुआ था जिस पर इंटरनेट के गलत इस्तेमाल का आरोप था। कई लोगों को ये बात हजम नहीं हुई। ये एक ऑब्जर्वेटरी थी जो सूरज को देखती थी। हो सकता है उन्हें एक ऐसी कोई चीज मिली हो जिसे लेकर हमें चिंता करनी चाहिए थी। लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स ने ऐसा क्या देख लिया जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था? इसके पीछे कुछ अजीब थ्योरीज हैं। दिन के वक्त का आसमान हमारा ब्लाइंड स्पॉट होता है। अगर आप किसी प्लेनेट पर चुपके से जाना चाहते हैं तो आप सूरज की तरफ से जाएं। मिलिट्री में स्ट्रेटजी बनाने वालों ने अचानक हमला करने के लिए हमेशा चमचमाती धूप का इस्तेमाल किया है। जब एक फाइटर पायलट या एक बॉम्बर उड़ान पर निकलता है तो वो सूरज की तरफ से आता है जिससे कि वो दिखाई ना दे। क्या एस्ट्रोनॉमर्स को पृथ्वी की तरफ आती हुई ऐसी किसी चीज का पता चला था जो छिपने के लिए सूरज का इस्तेमाल कर रही थी? अगर लोगों को इस बात का पता चल जाता तो डर फैल जाता, तो उसे छुपाए रखने के लिए ऑब्जर्वेटरी को बंद करना जरूरी था। लेकिन किसी और ऑब्जर्वेटरी या मॉनिटरिंग स्टेशन ने ऐसी कोई खबर नहीं दी कि कोई संदिग्ध चीज पृथ्वी की तरफ बढ़ रही है। कुछ रिसर्चर्स का कहना था कि उस सोलर ऑब्जर्वेटरी को किसी खास और बहुत जरूरी काम की वजह से बंद किया गया है, और वो है सोलर एक्टिविटी का चार्ट बनाना। ये सबको पता है कि कुछ सोलर एक्टिविटीज पृथ्वी पर रहने वालों पर असर कर सकती है, जैसे कि सोलर रेडिएशन का विस्फोट जिसे कोरोनल मास इजेक्शन कहा जाता है। कोरोनल मास इजेक्शन होने का अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल होता है। नासा के लिए ये एक सीरियस प्रॉब्लम है। कोरोनल मास इजेक्शन का विस्फोट 2 करोड़ न्यूक्लियर बॉम्ब्स के बराबर होता है। उनसे एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक झटका लगता है जो पूरे महाद्वीपों के पावर ग्रिड्स को खत्म कर सकता है। एक सोलर इवेंट के आने से धरती और स्पेस दोनों का जो नुकसान होगा वो विनाशकारी हो सकता है। लेकिन कोरोनल मास इजेक्शन को पृथ्वी तक पहुंचने में सिर्फ 3 दिन लगते हैं और अब तक तो हम चपेट में आ गए होते। इससे कहीं ज्यादा चिंताजनक ये था कि कुछ लोगों को लगा कि सोलर एस्ट्रोनॉमर्स ने शायद ये ऑब्जर्व किया है कि सूरज के आकार में कुछ बदलाव आ रहा है जो हमारे पूरे सोलर सिस्टम के खत्म होने की शुरुआत है। सूरज पृथ्वी पर सबको जिंदा रखता है, वो जिंदगी देने वाला है। लेकिन सूरज के पास एक घातक चीज भी है। गवर्नमेंट एजेंट्स ने सनस्पॉट सोलर ऑब्जर्वेटरी को बंद करके एस्ट्रोनॉमी की दुनिया को हैरान कर दिया। क्या ऑब्जर्वेटरी ने सूरज में कोई प्रलय लाने वाले बदलाव देखे थे? जब सूरज हाइड्रोजन को हीलियम में बदलता है तो वो एक बहुत बड़े एच बॉम्ब की तरह काम करता है, ओके? लेकिन आखिर में इसकी हाइड्रोजन खत्म हो जाती है। जब सूरज की पूरी हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी तो वो किसी भी लाइट बल्ब की तरह बुझ नहीं जाएगा। न्यूक्लियर फ्यूजन ना होने की वजह से गैस बाहर निकलनी बंद हो जाएगी और कोर अपनी ही ग्रेविटी के दबाव में कोलैप्स कर जाएगा। वो छोटा होता जाता है इसलिए वो ज्यादा गर्म होने लगता है। जब सूरज के कोर में टेम्परेचर 100 मिलियन डिग्री पर पहुंच जाता है तो हीलियम जल उठता है, और जब ऐसा होता है
तो सूरज अचानक बहुत तेजी से बड़ा होता है। वो फैलकर बहुत बड़ा हो जाता है, जिसे रेड जायंट कहते हैं। ऐसे में पृथ्वी जल जाएगी। हो सकता है कि सोलर एस्ट्रोनॉमर्स को सूरज में बदलाव के पहले संकेत मिले हों। तो क्या ये सोलर सिस्टम के अंत की शुरुआत है? इसमें कोई हैरत की बात नहीं कि पुराने जमाने के लोग सूरज को देवता मानकर पूजते थे, क्योंकि वो हमें सिर्फ जिंदगी ही नहीं देता है, बल्कि आखिर में पूरी पृथ्वी के लिए कयामत भी ला सकता है। ज्यादातर एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि हमारा सूर्य फिलहाल स्थिर है और उन्हें उम्मीद है कि यह अरबों साल तक स्थिर रहेगा। लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स जानते हैं कि सूरज जैसे तारे ब्रह्मांड में कहीं और कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हमारा सूरज अचानक हमें चौंका नहीं सकता। FBI ने खतरनाक इंफॉर्मेशन को दबाने और दुनिया में बड़े पैमाने पर डर फैलने से रोकने के लिए ऑब्जर्वेटरी को बंद किया होगा। सोलर सिस्टम में सूरज सबसे खतरनाक चीजों में से एक है और हम अब भी इसके बारे में सब कुछ नहीं जानते। सनस्पॉट ऑब्जर्वेटरी के बंद होने के 11 दिन बाद उसे दोबारा खोल दिया गया और वो फिर सूरज पर नजर रखने लगी। सरकार ने ऑफिशियली सफाई दे दी कि एक लापरवाह कर्मचारी की गलती की वजह से शटडाउन किया गया था, लेकिन उसके बावजूद कुछ इन्वेस्टिगेटर्स इस बात से सहमत नहीं है। ऐसा लगा जैसे वहाँ कई चीजें एक साथ हो रही हैं, जिनमें से इस ऑब्जर्वेटरी का बंद होना तो बस एक बहुत ही छोटी सी चीज थी। October 25, 2016 नासा के साइंटिस्ट ने सोलर सिस्टम से पृथ्वी की ओर आ रहे एक एस्ट्रॉइड का पता लगाया। उनकी कैलकुलेशंस के मुताबिक इसकी पृथ्वी से टकराने की उम्मीद सिर्फ 2% थी। शुरुआत में यह टेलीस्कोप से टिमटिमाती हुई रोशनी जैसा दिख रहा था, लेकिन जब एस्ट्रोनॉमर्स ने बारीकी से इसकी स्टडी की तो उनकी चिंताएं बढ़ने लगी। अगले 3 महीनों तक इस एस्ट्रॉइड पर नजर रखी गई और फिर जनवरी 2017 में इसके पृथ्वी से टकराने की संभावना अचानक बहुत बढ़ गई। इसकी ऑर्बिट की दिशा से साफ पता चल रहा था कि ये तेजी से अर्थ की ओर करीब आ रहा है। इसके पृथ्वी से टकराने के चांसेस 60% थे। सूरज की वजह से ये एस्ट्रॉइड दिखाई नहीं दे रहा था और साइंटिस्ट इंतजार कर रहे थे। जब 2017 में वो वापस दिखाई दिया तो फिर एक बार कैलकुलेशंस की गई। फिर पता चला कि टकराने के चांसेस 80% हो गए हैं और फिर ये संभावना बढ़कर 100% हो गई। ये एस्ट्रॉइड पृथ्वी की तरफ आ रहा था और हम इससे बच नहीं सकते थे। जैसे जैसे एस्ट्रॉइड और करीब आ रहा था, शुरुआती मेजरमेंट्स के मुताबिक स्पेस के इस विशालकाय पत्थर का आकार 300 से 800 फुट तक का था। अब सवाल ये था कि ये पृथ्वी पर कहां टकराएगा। दुनिया भर के टेलीस्कोप्स इसी पर नजर गड़ाए हुए थे। नवंबर 2017 में आखिरी जानकारी हाथ लगी। ये एस्ट्रॉइड 20 सितंबर 2020 को पृथ्वी से टकराएगा। उसके टकराने की जगह कहीं दक्षिणी कैलिफोर्निया में होगी। नासा और फीमा होने वाले नुकसान का अंदाजा लगाने की कोशिश में लग गए। अगर ये वाकई जमीन से टकराया तो सदर्न कैलिफोर्निया का सफाया हो जाएगा। क्या लॉस एंजलिस और आसपास के इलाकों को खाली करवाना चाहिए? प्रॉब्लम्स ये होती कि अगर हम चूक गए और इसकी ऑर्बिट की कैलकुलेशंस गलत साबित हुए तो हम लोगों को उल्टा खतरे वाले इलाके में भेज देंगे। साइंटिस्ट जानते हैं कि जब इस आकार का एस्ट्रॉइड हमारी पृथ्वी से टकराएगा तो उसका अंजाम विनाशकारी होगा। लेकिन ये सिर्फ एक सिमुलेशन है। ला इम्पैक्ट एक वॉर गेम सिनेरियो है, जिसे ये देखने के लिए डिजाइन किया गया है कि हम ऐसे हमले से निपटने के लिए कितने तैयार हैं। जब कोई एस्टेरॉयड या कॉमेट की धरती से टकराने की बात आती है तो सवाल होने या ना होने का नहीं है, सवाल है ऐसा कब होगा और क्या हम उसके लिए तैयार रहेंगे। 2008 में साइंटिस्ट ने हर साल पृथ्वी के करीब से गुजरने वाले 20 ऑब्जेक्ट्स का पता लगाया। 2018 तक ये संख्या 3 गुना से ज्यादा बढ़कर 76 हो गए। ऐसा हो सकता है। हाल ही में हमारी पृथ्वी से टकराने आ रहे एस्ट्रॉइड की संख्या में हुई बढ़ोतरी से पृथ्वी पर मौजूद जीवन के सर्वनाश की संभावना भी बढ़ गई है। तब जो तबाही मचेगी, उस जैसी तबाही इंसान ने अपने पूरे इतिहास में कभी नहीं देखी होगी। आसमान से किसी भी दिन मौत बरस सकती है।
लेकिन हमारी ओर आ रहे एस्ट्रॉइड की संख्या अचानक इतनी क्यों बढ़ गई है? एस्ट्रोनॉमर्स ने हाल ही में पता लगाया है कि हम ऐसे इलाके में प्रवेश करने वाले हैं जो विशालकाय एस्ट्रॉइड माइनफील्ड है। पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, लेकिन हमारा पूरा सोलर सिस्टम असलियत में मिल्की वे के अंदर घूम रहा है। हमारा सोलर सिस्टम धीमी गति से इस ब्रह्मांड के मेले में लगे व्हील की तरह हमारी आकाशगंगा में ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन इस हलचल के नतीजे बहुत डरावने हैं। ये यूनिवर्स बहुत बड़ा है, लेकिन इसकी 80% चीजें हम देख नहीं सकते। हम इसे डार्क मैटर कहते हैं। एक थ्योरी के मुताबिक हमारी पूरी गैलेक्सी में एक पतली डिस्क फैली हुई है जो डार्क मैटर के पार्टिकल से बनी है। रिसर्चर्स का मानना है कि डार्क मैटर की इस डिस्क में जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण बल होता है। जब हमारा सूरज गैलेक्सी में ऊपर नीचे जाता है, तब वो डार्क मैटर वाले घने इलाकों से गुजरता है, और शायद डार्क मैटर के इसी बैंड की वजह से ही एस्टेरॉयड और पत्थर हमारी ओर फेंके जाते हैं। देखा जाए तो एस्टेरॉयड्स और कॉमेट्स को हमारी तरफ जोर से फेंकने के लिए डार्क मैटर ग्रेविटी यूज कर रहा है। पृथ्वी पिछले करोड़ों सालों से डार्क मैटर के इस बेहद डरावने इलाके से नहीं गुजरी है, लेकिन एस्ट्रॉइड की बढ़ती संख्या ये दर्शाती है कि हम फिर एक बार डार्क मैटर डिस्क की ओर बढ़ रहे हैं, और वो भी रफ्तार से। इसका अंजाम हमारी पृथ्वी के सर्वनाश से कम नहीं होगा। हम अपनी गैलेक्सी के प्लेन में ऊपर नीचे शिफ्ट हो रहे हैं। इसकी दोनों पीक्स को छूने के बीच का समय है 6,40,00,000 साल। अब इस समय को 2 से डिवाइड करें तो पृथ्वी पर 2 विनाशकारी घटनाएं सामने आती हैं। 6,60,00,000 साल पहले डायनासोर्स पृथ्वी से विलुप्त हो गए थे, और उस वक्त 11 किलोमीटर के व्यास का एस्ट्रॉइड धरती से आकर टकराया था। डायनासोर्स क्या करते, वो आकाश की ओर देखते रहे इस विशालकाय एस्टेरॉयड को धरती की ओर आते उन्होंने देखा और नजारे का मजा उठाया। ये एस्ट्रॉयड चिक्सुलूब मेक्सिको के करीब टकराया। चिक्सुलूब का क्रेटर बहुत बड़ा है, इसकी चौड़ाई लगभग कनेक्टिकट स्टेट जितनी है। पृथ्वी पर इसका असर विनाशकारी था। ये विशालकाय रेप्टाइल्स जिन्होंने करोड़ों साल पृथ्वी पर राज किया था, चुटकियों में विलुप्त हो गए। इतनी बड़ी टक्कर के बाद आसमान में उड़ने वाली धूल और मिट्टी ने एक तरह से न्यूक्लियर विंटर जैसे हालात पैदा कर दिए, जिससे हर तरह के जानवर मारे गए। सबसे पहले पौधे मरने लगे, उसके बाद फूड चेन तबाह हो गया, और आखिरकार विशालकाय डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए। फिर लगभग 3 करोड़ साल बाद इतिहास फिर एक बार दोहराया गया। एक और विनाशकारी एस्ट्रॉइड धरती से आकर टकराया। साइबेरिया में बना पोपेगाय क्रेटर इतना बड़ा है कि इसमें पूरा न्यूयॉर्क शहर 8 बार समा जाएगा। इस टक्कर से इओसीन एक्सटिंक्शन हुआ, जिसमें कई यूरोपीय प्रजातियां विलुप्त हो गईं। धरती का जियोलॉजिकल इतिहास समझने के लिए जमीन की परतें किताब के पन्नों की तरह काम आती हैं। ये हमें बताती हैं कि हर 3-3.5 करोड़ सालों में कोई बड़ा सा पत्थर हमसे टकराता है। चिंता की बात ये है, अब वक्त हो चुका है। साइंटिस्ट्स की कैलकुलेशन के अनुसार हमारा सोलर सिस्टम हर 3 करोड़ साल बाद खतरनाक डार्क मैटर डिस्क से गुजरता है, और हर बार जब ऐसा होता है तब पृथ्वी की ओर विनाशकारी एस्ट्रॉइड्स की बौछार होती है। और जाहिर है, पिछले कुछ सालों से वैज्ञानिक हमें चेतावनी दे रहे हैं कि पृथ्वी के करीब से गुजरने वाले एस्ट्रॉइड की संख्या तेजी से बढ़ रही है। एस्टेरॉयड के धरती पर टकराने से जो गड्ढा बनेगा वो कुछ 6 किलोमीटर चौड़ा होगा, और उससे होने वाली तबाही वहाँ से 80 से 160 किलोमीटर दूर तक देखने को मिल सकती है। 800 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उठी हवा की आंधी वॉशिंग मशीन्स जितने बड़े पत्थरों की बौछार करेगी, जिसमें 90% पेड़, इमारतें और पुल नष्ट हो जाएंगे। जमीन पर यह हमला भले ही विनाशकारी लग रहा हो, लेकिन एस्ट्रॉयड अगर पानी में गिरा तो इसका अंजाम और भी बुरा होगा। इतना समझ लीजिए कि हर दिशा में रेडियल सुनामी की लहरें उठेंगी। अगर आप इनकी चपेट में आ गए तो आप मारे जाएंगे। अब हम डार्क मैटर डिस्क में प्रवेश कर चुके हैं, तो साइंटिस्ट होने वाली तबाही से बचने की योजना बना रहे हैं। पहला तरीका वही है जो आपने फिल्मों में देखा होगा, न्यूक्लियर बॉम्ब। लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब से सिर्फ इतना होगा
कि वो एस्ट्रॉइड को कई खतरनाक टुकड़ों में बांट देगा। इन टुकड़ों का साइज इतना बड़ा होगा और इनकी स्पीड इतनी ज्यादा होगी कि न्यूक्लियर बॉम्ब के बावजूद ये धरती की ओर बढ़ते रहेंगे। ये एक मक्खी से एक बड़े जंबो जेट को रोकने जैसा होगा। इतना काफी नहीं होगा, लेकिन शायद बम उसकी दिशा बदल दे, जैसे पूल खेलते वक्त हम एक गेंद से दूसरे को मारते हैं। नासा इस संभावना की जांच कर रही है कि क्या ऐसे एस्ट्रॉइड को रास्ते से हटाना मुमकिन है। हम पहले भी स्पेस में एक ऑब्जेक्ट को उड़ा चुके हैं 2005 में, तब नासा ने डीप इंपैक्ट नाम का एक मिशन लॉन्च किया था। डीप इंपैक्ट का मिशन था 372 किलो वजनी कॉपर कोर को टेंपल वन कॉमेट पर दागना, ताकि इसकी सतह के नीचे का मटेरियल जांच के लिए हमें मिल सके। ये कॉपर कोर 37,000 किलोमीटर पर आर की स्पीड से आगे बढ़ा और जब ये कॉमेट से टकराया तो ये कॉमेट को अपनी जगह से हल्का सा हिला दिया। हजारों लाखों मीलों के सफर में दिशा में हुआ हल्का सा बदलाव भी एस्ट्रॉइड को पृथ्वी से दूर ले जाने के लिए काफी है। अगर हम इसकी डायरेक्शन में हल्का सा बदलाव लाएं और हमने ये वक्त रहते कर दिया, तो जब तक ये पृथ्वी के करीब आएगा हमें छुए बगैर गुजर जाएगा। अगर हम पृथ्वी की ओर आने वाले एस्ट्रॉइड्स को जल्दी ढूंढ पाए और उन पर जोरदार वार करें, तो शायद हम उन्हें दूर हटा सकते हैं। नासा पहले से ही इस तरह के एस्ट्रॉइड डिफ्लेक्शन डिफेंस सिस्टम पर काम कर रहा है। 2022 में जब डाइडेमोस बी पृथ्वी के नजदीक से गुजरने वाला था, तब नासा के डार्ट मिशन ने उसे धक्का देकर उसका ऑर्बिट बदल दिया। ये लगभग स्पेस में पूल खेलने जैसा है, बस अगर शॉट सही लगा तो इनाम के तौर पर धरती बच जाएगी। लेकिन नासा के डिडीमोस मिशन में अभी समय है और इसकी कामयाबी की कोई गारंटी नहीं है, और इस दरमियान हमारी ओर बढ़ने वाले एस्ट्रॉइड की संख्या तेजी से बढ़ने लगी है। जल्द ही हम पर पृथ्वी तबाह करने की क्षमता वाले एस्ट्रॉइड्स की बरसात हो सकती है। अगर अगले कुछ सालों में हमें कोई बड़ी चीज पृथ्वी की तरफ आती दिखती है, तो जरूरी रहे कि हम उससे निपट सकें। हो सकता है आज भी कुछ एस्टेरॉइड्स पृथ्वी को तबाह करने के लिए हमारी ओर बढ़ रहे हों। ये क्यूरोसिटी ही है जिसने इंसानों को स्पेसशिप में बिठाकर एस्ट्रोनॉट्स को कॉस्मोस में भेजने के लिए प्रेरित किया है, लेकिन वो जो कुछ वापस ला रहे हैं वो सिर्फ साइंटिफिक जानकारी तक सीमित नहीं है। स्पेस में जीवन मौजूद है और उसका असर यहाँ पृथ्वी पर हम पर होगा।